नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर सुहासिनी वाजपेयी, सहायक प्रोफेसर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, आपका NIOS स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। आज इस चर्चा सत्र में हम चालन कौशलों का ज्ञान और विकास विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने अपने पूर्व के सत्रों में किसी भी बालक के वृद्धि एवं विकास के प्रत्यय को जाना, वृद्धि एवं विकास के प्रत्यय का ज्ञान एक शिक्षक के रूप में किस लिए हमें होना चाहिए, इस विषय पर हमने चर्चा की, जिसमें हमने यह देखा कि किसी भी प्राणी का विकास विकास की विभिन्न अवस्थाओं तथा विभिन्न पक्षों में होता है। विकास के विभिन्न पक्षों में हमने देखा कि विकास का पक्ष शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक या गामक विकास। इस प्रकार विभिन्न पक्षों में अलग अलग विकास के क्रम चलते हैं और यह विकास के क्रम समन्वित रूप से एक प्राणी को विकसित करते हैं। आज यहाँ पर हमें चालन कौशलों, जिसे हम क्रियात्मक कौशल या गामक कौशल के नाम से भी जानते हैं, उनका विकास किस प्रकार एक प्राणी में होता है, इस विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। चालन कौशल की अगर हम चर्चा करें तो चालन कौशल विकास स्नायुमंडल, अंगों तथा मांसपेशियों के विकास के एक साथ शक्ति, गति एवं समन्वय के रूप में होता है। चालन कौशल के अंतर्गत विकास की असंख्य गतिविधियां आती हैं, जैसे घूमना, फिरना, कूदना, दौड़ना, पकड़ना, फेंकना, लिखना, पढ़ना आदि। एक बालक जब भी चालन कौशल के विषय में जानता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि उसकी इन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों में कुशलता विकसित हो। और हम कह सकते हैं कि चालन कौशल का विकास जितना अच्छा व अनुकूल होगा, बच्चे में उतनी क्रियाशीलता होगी और वे अपने जीवन में सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हो सकेंगे। चालन कौशल एक बालक के विकास के प्रत्येक चरण में उपयोगी होता है, चाहे वह शैशवावस्था में विकास की अवस्था में हो, या वह बाल्यावस्था के चरण में हो, या वह किशोरावस्था के चरण में अग्रसर हो। प्रत्येक अवस्था में उपयुक्त चालन कौशल विकसित होने पर बच्चा उपयुक्त रूप से अपने विकास के चरण एवं अपने परिवेश में समायोजित हो पाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने चालन कौशल के विषय में विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार स्नायुमंडल तथा मांसपेशियों की क्रियाओं के समीकरण द्वारा जो शारीरिक क्रियाकलाप संभव हो सकते हैं, उन्हें चालन कौशल या गामक क्रियाएं कहते हैं। यहाँ पर यह मुख्य बात है कि चालन कौशल में सबसे पहले स्नायुमंडल या हमारे तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियों दोनों के समन्वय की बात की जाती है। जब यह दोनों तंत्र आपस में समन्वय के साथ शारीरिक क्रियाकलाप करने में सक्षम हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति में या उस बालक में या उस प्राणी में उपयुक्त चालन कौशल विकसित हो सके हैं। अगर मनोवैज्ञानिक हरलॉक के अनुसार हम देखें तो चालन कौशल से तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों के नियंत्रण से है जो जन्म के समय या जन्म के पश्चात निरर्थक एवं अनिश्चित होती हैं। यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि चालन कौशल विकास की अवस्था में अग्रसर एक प्रक्रिया है जो आयु बढ़ने के साथ साथ निरंतर आगे बढ़ती है। जैसा कि यहाँ देखा गया है
कि चालन कौशल के विकास में वह प्रक्रियाएं जो जन्म के समय एक निरर्थक और अनिश्चित रूप में होती हैं, एक उपयुक्त दिशा युक्त प्रक्रियाओं में परिवर्तित हो जाती हैं और उस विकसित होते बालक के मांसपेशियों और गतिविधियों में उचित नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अगले चरण में जेम्स ड्रेवर के अनुसार चालन कौशल के विकास का संबंध उन संरचना और कार्यों से है जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित है, अथवा इसका संबंध जीव की उस प्रतिक्रिया से है जो वह किसी परिस्थिति के प्रति करता है। ड्रेवर के अनुसार इस कथन में एक बात और स्पष्ट हो रही है कि मांसपेशियों के स्नायुमंडल कोशिकाओं के समन्वय के साथ कार्य करने के साथ साथ कहीं ना कहीं अनुभव की प्रक्रिया का भी समावेश है जो किसी भी विकसित होते हुए बालक को किस परिस्थिति में किस प्रकार के चालन कौशल का प्रयोग किया जाना है के विषय में अवगत कराती है। चालन कौशल का विकास शारीरिक अंगों की गति, शक्ति एवं समन्वय के रूप में होता है। अगर हम देखें तो चालन कौशल में गति, समन्वय एवं विशिष्टता का प्रमुख कार्य होता है। चालन कौशल की विशेषताएं। चालन कौशल के विकास में जब बच्चा अग्रसर होता है तो वह एक सरल प्राणी से वह सरल प्राणी जिसकी विभिन्न शारीरिक क्रियाएं सामान्य रूप से रहती हैं कुछ विशिष्ट शारीरिक प्रक्रियाओं के रूप में अग्रसर होता जाता है। चालन कौशल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे चालन कौशल का विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। विकास की अवस्था में प्रथम चरण गर्भावस्था का होता है। जब शिशु गर्भ में होता है उस समय ही उसमें विभिन्न प्रकार की गामक क्रियाओं का सूत्रपात हो जाता है। वह गर्भस्थ शिशु गर्भ में ही विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाएं करता है जो प्रायः अनियमित होती हैं, किंतु चालन कौशल के विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से ही हो जाता है। चालन कौशल का विकास क्रमिक रूप से होता है। प्रायः यह देखा गया है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं एक क्रम से आगे बढ़ती हैं, उसी प्रकार चालन कौशल का विकास भी एक निश्चित क्रम के रूप में ही आगे बढ़ता है। जैसे कोई भी शिशु पहले धीरे से पलटना सीखता है, वह अपने शरीर को परिवर्तित करता है, फिर उसमें इस योग्यता का विकास होता है कि वह घुटनों के बल बैठ सके, फिर वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हो सकता है, फिर किसी वस्तु का सहारा लेकर वह आगे बढ़ सकता है और धीरे धीरे उसमें जटिल चालन कौशल की प्रक्रियाओं का विकास हो जाता है। जैसे वह तेज गति से चल सकता है, वह दौड़ सकता है, वह किसी विशिष्ट प्रकार के खेलों में प्रतिभाग कर सकता है। किंतु इन सभी प्रक्रियाओं का विकास एक सरल प्रक्रिया से लेकर के जटिल प्रक्रिया के रूप में क्रमिक रूप से होता है। चालन कौशल की अगली विशिष्टता है कि इस विकास का स्वरूप सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इस कथन से हमारा तात्पर्य है कि हमेशा चालन कौशल की प्रक्रिया में किसी भी विकसित होते बच्चे की पहले जो चालन की क्रियाएं हैं, जो क्रियात्मक गतिविधियां हैं, वह एक सामान्य प्रकार की गतिविधियां होती हैं। चालन कौशल विकास में प्रत्येक पद पर वह बच्चा विशिष्ट गतिविधियों की ओर बढ़ता है। जैसे किसी वस्तु को यदि पैर से स्पर्श करना है तो वह पूरे शरीर को
स्पर्श ना करके वह केवल अपने विशिष्ट पैर को उस दिशा में अग्रसर करता है। चालन कौशल विकास की अगली विशेषता के रूप में यह देखा गया है कि चालन कौशल के विकास पर परिपक्वता एवं अधिगम का प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसके विभिन्न अंगों में विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप परिपक्वता आती जाती है। उदाहरण स्वरूप यदि हम कहें कि कोई भी बालक जब उसके हाथ पैर और विभिन्न अंग चलने के लिए उपयोगी रूप से विकसित हो जाएंगे तभी यदि उसे चलने का उचित अभ्यास करवाया जाए तो वह चलने में सक्षम होगा। इसके विपरीत यदि उसके अंग जो कि चलने के लिए उत्तरदायी हैं वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होंगे तो वह बालक किसी भी प्रकार अच्छे तरह से उस गामक कौशल में निपुण नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही साथ अधिगम का भी प्रभाव चालन कौशल विकास पर पड़ता है। यहाँ पर अधिगम का संबंध किसी भी विकसित हो रहे प्राणी के प्रयास एवं त्रुटि से है। वह किसी विशिष्ट चालन कौशल के विकास हेतु जितना अधिक प्रयास करेगा उसमें उस विशिष्ट गतिविधि का विकास उतनी कुशलता के साथ देखा जाएगा। चालन कौशल विकास के तत्व। जब कभी हम चालन कौशल की बात करते हैं तो हमें मुख्यतः तीन तत्वों पर अपना ध्यान देना होता है। पहला तत्व गति। गति चालन कौशल का एक प्रमुख तत्व है और इस तत्व के रूप में हम किसी भी गतिविधि में किसी भी बालक द्वारा किए गए प्रतिक्रिया काल का निर्धारण करते हैं। जो गतिविधि जितनी शीघ्रता और सामर्थ्यता के साथ की जाती है हम उसे उतना ही प्रभावी मानते हैं। सामर्थ्यता शक्ति के रूप में चालन कौशल का दूसरा प्रमुख तत्व है। चालन कौशल के लिए यह भी आवश्यक है कि बालक में उस विशिष्ट कार्य को करने की उचित शक्ति हो और उचित सामर्थ्य हो। जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे सामर्थ्य किसी विशिष्ट चालन कौशल हेतु सामर्थ्य का भी विकास होता जाता है। चालन कौशल का अगला और तीसरा महत्वपूर्ण तत्व समन्वयन है। जब बालक किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधि में भाग लेता है तो वहाँ पे विभिन्न अंगों की चालन गतिविधियों का समन्वय अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम कहते हैं कि किसी बालक को कोई एक गेंद किसी दूसरे स्थान पे फेंकनी होती है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि उसके हाथ की मांसपेशियाँ उसके आँख के साथ एवं कंधे की मांसपेशियों के साथ एक समन्वय के रूप में काम करें जिससे कि वह प्रभावशाली रूप में उस विशिष्ट गतिविधि को पूर्ण कर सके। अब हम विभिन्न अवस्थाओं में चालन कौशल के विकास पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि शैशवावस्था में चालन कौशल का विकास किस प्रकार होता है। शैशवावस्था में चालन कौशल के विकास में सबसे पहले पद पर अनियमित क्रियाएं होती हैं जिसमें किसी भी बालक का संपूर्ण शरीर गतिशील होता है। दूसरे चरण में विशेष प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिनमें प्रमुख रूप से सहज क्रियाओं या रिफ्लेक्स एक्शंस की प्रमुख भूमिका होती है। जैसे भूख लगने पर बालक चूसने की क्रिया करता है, यह एक प्रकार की विशेष क्रिया है। अगले चरण में बालक में जटिल व्यवहार प्रतिकृति देखने को मिलती है जिसमें वह विभिन्न प्रकार की सहज क्रियाओं का एक समन्वित रूप में प्रयोग करता है और किसी भी परिस्थिति में अपने व्यवहार को व्यक्त करता है। चालन कौशल शैशवावस्था में प्रमुख रूप से हस्त कौशल, खाने पीने की क्रिया, लिखने की क्रिया,
कपड़े पहनने की क्रिया, चलने फिरने की क्रिया के रूप में देखा जाता है। चित्र से स्पष्ट है कि प्रारंभ में एक महीने में बालक केवल कुछ हल्की फुल्की गतिविधियां करता है, चार मंथ तक वह अपने पीठ को पलटने में सक्षम होता है, फिर पांचवें महीने तक वह कुछ कुछ घूम सकता है, सातवें महीने में वह घुटने के बल चल सकता है, आठवें महीने तक वह बैठने लगता है, नवें महीने तक वह किसी भी सहारे को लेकर के चढ़ने का प्रयास करता है, और अंत में लगभग जब बालक एक साल का हो जाता है तो वह खड़े होकर बिना किसी वस्तु के सहारे से कुछ कदम चल सकता है। बाल्यावस्था में चालन कौशल के विकास में हम प्रमुख रूप से बच्चों का दौड़ना, कूदना, फुदकना, भार उठाना, साइकिल चलाना और अन्य जटिल कार्यों को देख सकते हैं। बाल्यावस्था में चालन कौशल का विकास शक्ति के तत्व में अपने चरम पर होता है। बच्चा पूर्ण रूप से विभिन्न कार्यों, विभिन्न खेलों में अपने को रखता है। जब बालक बाल्यावस्था में होता है तो उस समय उसकी विभिन्न चालन कौशल की गतिविधियों में पूर्ण रूप से समन्वय स्थापित हो जाता है। अगर हम बात करें किशोरावस्था में चालन कौशल के विकास की, तो इस अवस्था में अधिक शक्ति, गति व तीव्रता वाले कार्य किए जाते हैं, जिनके फलस्वरूप बालक विभिन्न प्रकार के विशिष्ट खेलों में भाग लेना प्रारंभ कर देते हैं। विभिन्न खेलों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के विशिष्टीकरण की आवश्यकता होती है, और इस अवस्था तक यदि बालक का उपयुक्त चालन कौशल विकास हो चुका है तो वह इन विशिष्ट गतिविधियों हेतु पूर्ण रूप से सक्षम हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि चालन कौशल को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो चालन कौशल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में सबसे पहला कारक है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में यह निर्धारित हो जाता है कि बच्चे के अंदर चालन कौशल का विकास किस प्रकार होगा। वह विभिन्न प्रकार की शारीरिक गामक गतिविधियों का समन्वय किस प्रकार करेगा, यह उसके वंशक्रम के निर्धारण से ही पता चल जाता है। अगला प्रमुख कारक गर्भावस्था की दशाएं हैं। गर्भावस्था में जब शिशु का विकास हो रहा होता है तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वह निर्धारित कर देती हैं कि बच्चा अपने विकास के आगे के चरणों में किस प्रकार अग्रसर होगा। यदि गर्भावस्था की दशाएं बालक के विकास हेतु अनुकूल होती हैं, उसे किसी प्रकार की चोट या आघात या रोग का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है, तो निश्चित रूप से बालक का विकास विभिन्न पक्षों में अच्छे रूप से होता है। तीसरा कारक है शारीरिक विकास की दशाएं। चालन कौशल या गामक विकास में शारीरिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गामक विकास या चालन कौशल के विकास के लिए यह आवश्यक है कि बालक का शारीरिक विकास प्रत्येक विकास की अवस्था में उपयुक्त एवं अनुकूल रूप से हो। जब तक शारीरिक विकास द्वारा विभिन्न अंगों, मांसपेशियों और तंत्रिका कोशिकाओं का उचित विकास नहीं हो पाएगा तो किसी भी प्रकार चालन कौशल का विकास संभव नहीं है। अगला महत्वपूर्ण कारक है परिपक्वता। परिपक्वता से अभिप्राय है कि विभिन्न अंगों का उचित रूप से विकसित होना। यदि हम किसी भी बालक में दौड़ने संबंधी चालन कौशल की अपेक्षा करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि उसके पैरों की मांसपेशियां उचित रूप से परिपक्व हैं या नहीं हैं। यदि हम किसी बालक से अपेक्षा करते हैं कि वह किसी विशिष्ट प्रकार के खेल में भाग ले जिसमें विभिन्न अंगों के समन्वय की आवश्यकता है, चाहे वह आँख हो, पैर हो, हाथ हो, तो यह भी ध्यान रखना होगा कि उस बालक में विभिन्न प्रकार के वह अंग उचित परिपक्वता के स्तर पर हैं
अथवा नहीं। अगला महत्वपूर्ण कारक आहार है। आहार में बालक को किस प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है जिससे उसका शारीरिक विकास और उसी के साथ साथ चालन कौशल का विकास उपयुक्त रूप से होता है। अगला कारक स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य, यदि एक बालक का विकास की अवस्था में स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वह विभिन्न रोगों से दूर रहता है, तो निश्चित रूप से चालन कौशल का विकास एक अच्छे रूप में आगे होता है। अन्यथा स्वास्थ्य खराब होने पर विभिन्न रोगों के प्रभाव में कहीं ना कहीं शारीरिक विकास और उसके फलस्वरूप चालन कौशल का विकास बाधित हो जाता है। व्यायाम, व्यायाम एक ऐसा कारक है जिसके द्वारा चालन कौशल की गति को एक उचित रूप में विकसित किया जाता है। कोई भी बच्चा जिस विशिष्ट प्रकार की गतिविधि में रुचि रखता है, वह उस विशिष्ट गतिविधि को व्यायाम द्वारा एक उपयुक्त दिशा में विकसित करने में सक्षम हो सकता है। अंतिम कारक के रूप में अधिगम पर चर्चा की जानी है। अधिगम की प्रक्रिया द्वारा बालक किसी विशिष्ट शारीरिक गतिविधि को प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से बार 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 करके सीखता है और उसमें निपुणता के स्तर को प्राप्त कर लेता है। चालन कौशल विकास का महत्व क्या है? चालन कौशल विकास शारीरिक विकास में सहायक होता है, वह बालक के मानसिक विकास में सहायक है। चालन कौशल समाजीकरण के लिए आवश्यक है। बालक की भावनात्मक परिपक्वता के लिए भी चालन कौशल की आवश्यकता होती है। चालन कौशल के विकास से बालक में स्वावलंबन तथा आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास होता है। जैसे ही बालक किसी भी प्रकार की विशिष्ट या सामान्य शारीरिक गतिविधि को करने में सक्षम हो जाता है, उसके अंदर स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का गुण विकसित होता है। चालन कौशल बालक के मनोरंजन और आत्मसंतुष्टि में सहायक होता है। जैसे कि अभी चर्चा की गई है कि विभिन्न प्रकार के चालन कौशलों द्वारा बालक विभिन्न प्रकार के शारीरिक गतिविधि, विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग लेता है, जो उसके मनोरंजन और आत्मसंतुष्टि में सहायक होता है। चालन कौशल का विकास बालक के अध्ययन में सहायक है, वह उसके स्कूल में समायोजन में सहायक है तथा वह बालक को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने में सहायक है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बालक के चालन कौशल के विकास का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह किस अवस्था में किस प्रकार के चालन कौशल से निपुण हो सकता है, यह ज्ञान एक शिक्षक को होना अति आवश्यक है, जिससे वह उस बालक के अधिगम के अवस्था में विकास के चरणों में उपयुक्त रूप से उसे विभिन्न अनुभव प्रदान कर सके। और यदि चालन कौशल उपयुक्त रूप से विकसित होगा, तो निश्चित रूप से वह बालक अपने पाठ्यक्रम के साथ, शिक्षण विधियों के साथ, कक्षा में विभिन्न सहपाठियों के साथ उपयुक्त समायोजन स्थापित कर सकेगा। धन्यवाद।